नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। हालांकि पहले यह तारीख जो है 21 जुलाई को निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में यह तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। बता दें कि आयकर विभाग ने 31 दिसंबर तक ई फाइलिंग पोर्टल पर 5.89 करोड़ का आयकर रिटर्न दाखिल किया, लेकिन इस तारीख तक भी कई लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि उन लोगों का अब क्या करना होगा। तो चलिए आगे हम आपको बताएंगे उन्हें क्या करना है। अगर आपने 21 दिसंबर 2021 तक आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अब आपके पास 31 मार्च 2022 तक का मौका है, लेकिन इसके लिए आपको अब जुर्माना देना होगा। बता दें कि देरी से ITR भरने के एवज में आपको पेनल्टी फीस देनी होगी। इस पूरे मामले को लेकर टैक्स के जानकार बलवंत जैन बताते हैं कि आपको इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139(1) के तहत तय समय पर ITR समय पर नहीं भरने की सूरत में धारा 334(a) के तहत उस पर व्यक्ति को जुर्माना लगाना पड़ता है या फिर देना पड़ता है। इसके साथ साथ वह 31 मार्च 2022 तक 5,000 रुपये जुर्माने के साथ ITR दाखिल कर सकता है। अगर आपकी कुल सालाना आय 5,00,000 रुपये से कम है, तो आप 1,000 रुपये का जुर्माना देकर भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 2.50 लाख से कम की सालाना आय पर आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप 31 मार्च 2022 तक भी अपना ITR नहीं भरते हैं, तो आपके लिए परेशानी और भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि 31 मार्च 2022 तक ITR भरने पर आयकर विभाग आप पर टैक्स के 50% के बराबर तक की पेनल्टी लगा सकता है, जो आप ITR ना भरकर छिपाना या फिर बचाना चाहते थे। इसके अलावा आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें यह भी पता है कि सरकार के पास यह अधिकार है कि टैक्स नहीं भरने पर आपके खिलाफ मुकदमा चल सकता है, साथ ही जेल भी जानी पड़ सकती है। वित्त मंत्रालय कि एक बयान में उन्होंने कहा कि 45.7% से अधिक ITR पोर्टल पर ऑनलाइन ITR फॉर्म का उपयोग करके दाखिल किए गए हैं और शेष का ऑफलाइन सॉफ्टवेयर उपयोगिता बनाए गए ITR का उपयोग करके अपलोड किया गया है। इसकी तुलना में आकलन वर्ष 2020-2021 के लिए विस्तारित तारीख 10 जनवरी 2021 तक 5.95 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं। 10 जनवरी 2021 को आखिरी दिन यानी कि 31.05 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। इसमें से 46.11 लाख रिटर्न आखिरी तारीख यानी कि 31 दिसंबर को दाखिल किया गया। आपको बता दें कि इनकम टैक्स ने एक बड़ी राहत दी है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया। अगर वो दाखिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है अब 31 मार्च 2022 की तारीख निर्धारित की गई है। इस दिन तक जो है आपको ITR भर देना है, तो इस समय तक भी जो है आपको जुर्माने के साथ भरना होगा। अगर आप यहाँ तक भी अगर नहीं भरते हैं, तो जो है आपके साथ भारत सरकार जो है एक तो दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आपको जेल भी जानी पड़ सकती है, नहीं तो फिर कई अलग अलग मामलों में जो है आपसे पैसे भी वसूले जा सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।